राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में विज्ञान पर आधारित गोष्ठी आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। प्रधानाचार्य दीप चंद्र जोशी ने बताया कि विज्ञान दिवस से पूर्व सप्ताह भर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बेहतर जीवन के लिए विज्ञान विषय पर आधारित विज्ञान गोष्ठी आयोजित की गई। यू सर्क के सहयोग से आयोजित की गई विज्ञान गोष्ठी में भाषण, निबंध, क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। शिक्षकों ने कहा कि बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में ऐसे कार्यक्रम सहायक होते हैं। कार्यक्रम का संचालन जितेंद्र कुमार ने किया। इस मौके पर राजेश भंडारी, संजय टमटा, सरोज गौड़ आदि मौजूद थे। जो प्रतियोगिताएं आयोजित की गई है दो वर्गों में आयोजित की गई, सीनियर कैटेगरी और जूनियर कैटेगरी में, ये सभी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, चाहे वो निबंध प्रतियोगिता हो, क्विज प्रतियोगिता हो, चाहे कौशल प्रतियोगिता हो। और उसके उपरांत इनमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ये था कि छात्रों में वैज्ञानिक जागरूकता उत्पन्न करें, विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करें, क्योंकि आज की डेट पर विज्ञान के चमत्कारों से हम सब परिचित हैं। विज्ञान दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा है। वैज्ञानिक जागरूकता कैसे समाज में लाया जाए, कैसे वैज्ञानिक रुचि छात्रों के मध्य उत्पन्न की जाए, एक प्रतिस्पर्धा की भावना किस प्रकार उत्पन्न किया जाए, किस प्रकार से छात्रों में यह विचार उत्पन्न किया जाए कि हम अपने दैनिक जीवन के कार्यों में कैसे वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करके उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इन्हीं उद्देश्यों को लेते हुए यहाँ पर ये प्रतियोगिता आयोजित की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस से पूर्व आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत आज मित्तल मोहन जोशी स्मारक राजकीय इंटर कॉलेज बागेश्वर में विजेता प्रतिभागियों को सम्मान किया गया और बेहतर जीवन के लिए विज्ञान शिक्षा विषय पर एक गोष्ठी भी आयोजित की गई। इसमें विद्यालय के अधिकांश बच्चों ने प्रतिभाग किया, क्योंकि 27 अट्ठाईस को परीक्षाएं होने की वजह से इस वर्ष ये कार्यक्रम आज विज्ञान दिवस का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया गया और जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए उन्हें प्रमाण पत्र दिए गए। इन कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य यह है कि इससे बच्चों में विज्ञान के प्रति संचेतना जागृत हो, विषय को समझने के प्रति रुचि पैदा हो, उनमें प्राकृतिक जिज्ञासा का विकास हो। इन उद्देश्यों को लेकर ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान केंद्र के द्वारा जनपद के कतिपय विद्यालयों में यूसर्क विज्ञान संचेतना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें वर्ष भर पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और इस तरीके से जागरूकता कार्यक्रम संचालित करना है, विभिन्न वैज्ञानिक गतिविधियों का आयोजन करना है, ताकि हम समाज को, छात्र छात्राएं स्वयं तथा अन्य लोगों को वो जागरूक कर सके और एक बच्चों को अच्छा बेहतर मंच मिल सके, इन्हीं उद्देश्यों के लिए ये कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। सीजीएन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।